दोस्तों हमने जॉम्बीज की तो कई सारी वेब सीरीज और मूवीज देखी है, चाहे वो द वॉकिंग डेड हो या फिर रेसिडेंट इविल। लेकिन दोस्तों हम नेटफ्लिक्स की आज ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी प्रमोशन नेटफ्लिक्स ने भर भर के की है। कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के लिए लॉन्च इवेंट भी रखा था और इस लॉन्च इवेंट में नेटफ्लिक्स ने एक टैंक से जॉम्बीज को अनबॉक्स किया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म आर्मी ऑफ द डेड के बारे में। दोस्तों इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मूवी की हिंदी डबिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है, जो कि आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। दोस्तों इस मूवी की कहानी हॉरर और एक्शन को लेकर बनाई गई है। मूवी की ड्यूरेशन की बात करें तो वो लगभग 2.5 घंटे की है, जो कि आपको ज़रा भी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि मूवी में इतने ज़्यादा एक्शन सीन्स और हॉरर के कंटेंट भरे हैं जो कि आप सभी को एक्साइटमेंट से भर देंगे। दोस्तों मूवी की कहानी में हुमा कुरैशी भी नज़र आ रही है, जो कि मेरे लिए तो शॉकिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मूवी में हुमा कुरैशी भी मौजूद है, जो कि इस मूवी में गीता का रोल प्ले कर रही है। दोस्तों मूवी की कहानी एक बेस्ड है एक हाइस्ट को लेकर, जो कि लास्ट वेगस में होती है, और ये हाइस्ट 200 मिलियन की होती है। और ये हाइस्ट करने के लिए डेव बटिस्टा को हायर किया जाता है, जो कि इस मूवी में स्कॉट वार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्तों इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और इनका रोल आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मूवी में और भी कई ज़बरदस्त कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो कि आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मूवी में सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। मूवी में इला पर्नल भी मौजूद है, जो कि कैट वार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं, और इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनके डायलॉग्स भी बहुत आपको देखने में पसंद आएंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अनेबल ज़रूर कर लीजिए। आप सभी को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि स्कॉट वार्ड किस प्रकार अपनी टीम को लेकर लास वेगस से ये जॉम्बी से भरी दुनिया से किस प्रकार अपने पैसे को निकालते हैं, जो कि 200 मिलियन डॉलर है, और ये तिजोरी की भी किस प्रकार खुलते हैं। दोस्तों इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए गए हैं। इस मूवी के कैरेक्टर भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। मूवी के कॉमेडी भी आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मूवी में एक्शन सीन्स ज़्यादातर बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। मूवी के डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, जो कि एक काफ़ी बड़े डायरेक्टर है, और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। इस मूवी में इन्होंने मैन ऑफ स्टील, 300 जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों इस मूवी में भी इनकी डायरेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। मूवी में जो जॉम्बीज दिखाए गए हैं दोस्तों वो आम जॉम्बीज नहीं है, ये एक टैलेंटेड जॉम्बी है, या फिर आप पढ़े लिखे बोल सकते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। दोस्तों हमने कई सारी जॉम्बीज की मूवीज़ देखी है जहाँ पर जॉम्बीज बुद्धू टाइप में नजर आते हैं, लेकिन इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जो कि ह्यूमंस को काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं इस मूवी में, जो कि आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जॉम्बीज के रोल्स तो बहुत अच्छे हैं, और इस मूवी में जो VFX यूज़ कर गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, आपको ज़रा भी नकलीपन नहीं लगता इस मूवी में, और मूवी की डायरेक्शन तो है ही बेस्ट। मूवी में सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों मूवी को अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस मूवी को 5/4 दूंगा, क्योंकि मूवी के एक्शन सीन्स और जॉम्बीज की जो चीज़ें दिखाई गई है मूवी में वो आप सभी को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो मूवी को IMDb रेटिंग 7.5 मिली है, जो कि एक एवरेज किस्म की है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी IMDb रेटिंग है। दोस्तों अगर आपको एक एक्शन सीन्स देखना पसंद है तो आपको ये मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अनेबल ज़रूर कर दीजिए।